नमस्कार, समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सूबे में 27 जनवरी से शुरू होने वाले सीएम जल स्वावलंबन अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुई, जिसमें सीएम राजे समेत कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। कार्यशाला में सीएम राजे ने अपने 6 महीने का वेतन, प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों ने 3 महीने, विधायकों ने 1 महीने और आरएएस अधिकारियों ने अपने अपने कुछ दिनों के वेतन अभियान के लिए देने की घोषणा की है। उद्योग मंत्री ने जल अभियान को रेसिडेंट राजस्थान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। तो वहीं जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने इस अभियान में जल मित्र के रूप में आमजन से काम करने की अपील की। मुझे लगता है सबको ये फीलिंग हो रहा है, क्योंकि 2 रुपए भी मेरा कमिटमेंट हो जाता है। मैं 2 रुपए दे रही हूँ तो मेरा कमिटमेंट है। मैं ये कह रही हूँ कि मनी नहीं है, हम लोग किस तरीके से इससे जुड़ते हैं। मैंने आपको बताया, सेवा को आपने एक छोटे रूप में देखा, कितना बढ़िया बन गया। क्या था, आप लोग भी थे, आप गए होंगे सेवा, कीचड़ था, कुछ भी नहीं था वहाँ, आज सरोवर है। इसी तरीके से आपके इधर पुष्कर में, इस तरीके से चंद्रभागा नदी में, आप अलग अलग जगह पे देख लीजिए, और कितना फायदा हुआ और सबने मिलकर किया। तो ऐसा अगर एक मैं तैयार समझती हूँ, राजस्थान अब तैयार है कि हम लोग सब मिलकर अगर इसको करते हैं तो राजस्थान में चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पहल करी है मुख्यमंत्री साहिबा ने, एक पूरी रिसर्च करने के बाद पहल करी है, जिसके अंदर सारे विभाग और न केवल सरकारी विभाग बल्कि हर गांव का व्यक्ति, हम सब उसके अंदर शामिल होकर एक ही दिशा में काम करें। और इसके लिए फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुख्यमंत्री साहिबा ने खुद अपने 6 महीने की तनख्वाह इसमें लगाई है, केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी 3 महीने की तनख्वाह लगाई, सभी ने इसमें शामिल करा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आह्वान, दलों की सीमाओं से आगे बढ़कर सभी लोगों को आमंत्रण, और उसका शानदार परिणाम देखने को मिल रहा है। आज सभी जनप्रतिनिधि ने संकल्प लिया है कि राजस्थान के अंदर जल के प्रति समर्पित भाव से हमारे गांव की इकाई स्वावलंबित बने, इसके लिए तन मन और धन से वो काम करेंगे। दलों की सीमा के ऊपर सभी लोग एक राय होकर मुख्यमंत्री जी के साथ चले हैं। जल क्रांति, तो मैं कहता हूँ जन, ये जल क्रांति के साथ जन क्रांति भी है। ये सभी लोग मिलकर के राजस्थान के अंदर जब पानी का ये जल संग्रहण होगा, तो जो वर्षों से अकाल के साथ जूझ रहा राजस्थान है, वह उससे मुक्त होकर के एक नए उन्नति के आयाम छू सकेगा। इसके लिए जो जन सहभागीदारी का जो मुद्दा आया, मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय है। सीएम जल स्वावलंबन अभियान में हर आमजन की सहभागिता बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने सरकारी आयोजन का विद्युतीकरण करने का आरोप लगाया है। दरअसल कार्यक्रम में हर पार्टी कार्यकर्ता और आमजन को जोड़ने के लिए वर्कशॉप आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें बीजेपी मंत्री, एमपी, एमएलए के साथ साथ बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिलों के संगठन प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को तो बुलाया गया, जबकि कांग्रेस और दूसरे दलों के विधायक यहां नहीं पहुंचे। हालांकि बीएसपी के विधायक मनोज न्यान ने वर्कशॉप में आए। वर्कशॉप को लेकर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक जनहित से जुड़े अभियान में शामिल नहीं होने पर कांग्रेसी विधायकों पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को लोहड़ी का तोहफा देते हुए आगामी जून से पीएम फसल बीमा योजना लागू करने की बात कही है, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पीएम मोदी का आभार जताया। इस योजना के अनुसार नई बीमा योजना में किसानों को रबी की फसल पर 2%, खरीफ पर 1.5% और वाणिज्यिक फसल पर 5% प्रीमियम देना होगा, जबकि इससे अधिक का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि नई बीमा योजना लागू होने पर किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा और 100% नुकसान पर संपूर्ण दावा राशि भी दी जाएगी। की राशि देनी पड़ती थी, उसको कम करके रबी में 1.5% और खरीफ में 2%, और दोनों ही फसलों में, नकदी क्रॉप्स में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रदेश में चौपट होती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान जैसा शांत प्रदेश अब अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार को अपराधियों पर तुरंत शिकंजा कसना चाहिए और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर बीडी कल्ला ने बीकानेर संभाग के लंबित विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और सत्याग्रह की भी चेतावनी दे डाली। कल्ला ने इसका ऐलान किया है कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने को लेकर वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। सरकार को तत्काल जो है अपराधियों के ऊपर अपना शिकंजा कसना चाहिए
वरना राजस्थान जो एक शांत प्रिय प्रदेश कहलाता है, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर होने के कारण से अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं और सरकार कई कर्तव्य विमूढ़ हो रही है, इसलिए उसके काम को शुरू करके और गंगानगर में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान करने के लिए रेल बाईपास बनाया जाए। भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने की मांग को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीग विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर सीएम ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन वो सीएम के अधिकृत बयान के अलावा किसी और का बयान स्वीकार भी नहीं करेंगे। विश्वेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार भरतपुर धौलपुर के जाटों को हल्के में ना ले, क्योंकि यहां के जाटों में इतनी ताकत है कि वो सरकार का सामना कर सकते हैं। विधायक ने सरकार को जल्द ही ओबीसी कमीशन को भरतपुर धौलपुर जिले में भेजने की बात कही, ताकि जाटों के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पहलुओं का सर्वे हो सके। कल कोई कथित मीटिंग हुई है जयपुर में, जहां कुछ मंत्री और अन्य लोग मौजूद थे और उनको जाट समाज भरतपुर के और धौलपुर के जो लोग हैं उनके जो रिजर्वेशन के लिए एक उदयपुर जिला परिषद सदस्य ने वोट के बदले नोट के खेल का खुलासा किया है। दरअसल जिला परिषद सदस्य शंकर लाल ने पहले तो बीजेपी के दो प्रमुख नेताओं पर जिला प्रमुख बनाने के नाम पर 23,50,000 रूपये हड़पने के आरोप लगाए, तो वहीं अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जिला परिषद से ही सदस्य कैलाश लखारा ने उल्टे शंकर लाल मेघवाल पर आरोप जड़ दिया। कैलाश लखारा ने आरोप लगाया कि पंचायती राज चुनाव के बाद और जिला प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान शंकर लाल ने अपने पक्ष में मतदान के लिए 5,00,000 रूपये का प्रस्ताव रखा था। लखारा ने परिषद सदस्य शंकर लाल पर कांग्रेस से मिलकर षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया, वहीं वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग करने का भी आरोप लगाया। खबर जयपुर से, जहां परिवहन मंत्री यूनुस खान के सख्ती का असर दिखने लगा है। मंत्री यूनुस खान के बयान के बाद मंगलवार को एक दिन में लाइसेंस टेस्ट देने वाले 342 लोगों में से 27 लोग फेल करार दिए गए। इससे पहले फेल होने वालों का आंकड़ा महज एक या दो रहा करता था। जगतपुरा और विद्याधर नगर के आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने आए लोगों में 27 लोग फेल हो गए। आपको बता दें कि यूनुस खान ने हाल ही में लाइसेंस टेस्ट पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि फिटनेस टेस्ट और लाइसेंस टेस्ट में लोग फेल नहीं होते हैं, जिसके बाद विभाग ने लाइसेंस टेस्ट को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सूबे में डॉक्टरों की भारी कमी है, किसी से छिपा नहीं है, लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि आगामी 7 साल में प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 50,00,000 की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल शिक्षा के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि 2 साल पहले जहां प्रदेश में एमबीबीएस की 1500 सीटें थी, जो इस साल बढ़कर 2100 हो गई। आने वाले 7 साल में इनमें 1050 सीटों की और बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे प्रदेश के पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि सूबे के 7 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है, जिनमें एमबीबीएस की 700 सीटें ही होंगी। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस तरह से सरकारी क्षेत्र में 700 एमबीबीएस की नई सीटें आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ अजमेर, उदयपुर और कोटा के अंदर 100 सीट प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में और झालावाड़ में 50 एमबीबीएस की सीट, इस प्रकार से अगर ये देखें तो 350 एमबीबीएस की सीटें ये शामिल हो जाएंगी। पाकिस्तान से लगी सीमा पर सुरक्षा अब और चाक चौबंद होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 33 करोड़ की लागत से सघन तारबंदी करवाई जाएगी। साथ ही सरहद पर तैनात जवान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। ये जानकारी बीएसएफ आईजी बीआर मेघवाल ने दी। श्रीगंगानगर पहुंचे बीएसएफ आईजी ने तस्करी नेटवर्क में बीएसएफ जवानों की संलिप्तता पाए जाने के मामले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ देशद्रोही हैं जो इस घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सभी के लिए सोचने का विषय है कि जब हमारे ही बंदे कोई ऐसा लाखों का फोर्स है, ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारे सोचने का विषय मतलब है, सबके लिए गंभीर बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब होते हैं तो देशद्रोहियों को जो सजा हो। खाकी के आगे शायद कानून भी बोना है, तभी तो बेखौफ होकर खननाल अधिकारियों के बंगलों से महज चंद मीटर की दूरी पर ही दिनदहाड़े खनन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इन दिनों दिनदहाड़े पौष इलाके के पास अरावली पहाड़ी से पॉकलैंड मशीन के साथ दर्जन भर ट्रैक्टर, 2 दर्जन मजदूर खनन का काम कर रहे हैं। हालांकि अब तक खनन मामले में माफिया का नाम भी सामने आता रहा है, लेकिन जिले में पहली बार पुलिस महकमे के जिम्मेदार अधिकारी का नाम खनन माफिया के रूप में सामने आया है। आरोप है कि डीवाईएसपी मोतीलाल मीणा जिले में अपनी निजी आवास के पीछे ही अरावली पहाड़ी पर अपने कारिंदों से बेखौफ खनन करवा रहे हैं। बहरहाल एसडीएम ने आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। जैसे हमारा ध्यान में आया है कि सिविल लाइन एरिया में इस तरह खनन एक्टिविटी हो रही है, तो उसके
जांच के लिए हमने पटवारी को, गिरदावर को इनको डायरेक्शन दे दिए हैं। ये भी संभावना है कि वो पूरा जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में आता है, और दूसरा कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि वो खातेदारी में है। तो अगर खातेदारी लैंड भी है तो बिना किसी परमिशन के कोई भी खातेदार अपनी जमीन में से इस तरह इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहीं बात खनन मामले में डीवाईएसपी की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही। अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए डीवाईएसपी ने उल्टा टोंक संवाददाता पर ही पैसे मांगने का आरोप लगा डाला। बदजुबानी यही नहीं थमी, डीवाईएसपी ने पत्रकार को फर्जी होने का आरोप डाला और कहा कि ऐसे फर्जी पत्रकार टोंक में बहुत हैं। ये जो मामला अवैध खनन बता रहे हैं, ये अवैध खनन नहीं है। हमारे वहाँ पे भाई ने कल कोई काम वाम करवाया था साफ सफाई प्लाट की, वो प्लाट है खातेदारी का और खातेदार है उसमें अहमद मियाँ टोंक में, और वहाँ पे वो साफ सफाई करा रहा था तो कोई पत्रकार गया, वो जिसका नाम जियाउद्दीन था, वो उसे पैसे वैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने नून चलने लगा दी, वो मेरा भी नाम जोड़ दिया, इसने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे भाई का है। और टोंक में अक्सर क्या है, इसे कई लोग फर्जी पत्रकार या फर्जी वसूली करने वाले भी आते रहते हैं, इसलिए उसने मेरे को फोन किया था भाई ठीक है क्या मामला है, कैसा इस तरह से कोई आए हैं खनिज विभाग वा बन के, वो अफसर कह मैं खनिज विभाग से हूँ और ये तुम्हें अवैध खनन कर रहे हो, कोई अवैध खनन नहीं है हमारा, तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, और मेरा भाई काम करवा रहा है तो वो नियमानुसार करवा रहा है, कोई अवैध खनन वाली कोई बात नहीं है। खातेदारी की जमीन है और खातेदारी ने इसमें खरीदा है, इसके लिए पट्टा जारी करने के लिए मैंने फाइल लगा रखी है नगर परिषद में, और उसमें प्रक्रिया है शायद वो पट्टा मिल जाएगा उसमें। वहीं इस पूरे मामले को तहसीलदार ने शुरुआती जांच में खनन को अवैध माना है। खनिज विभाग ने भी इस खनन के लिए किसी भी तरह की विभागीय स्वीकृति जारी होने से साफ मना किया है। बकौल तहसीलदार उन्होंने डीवाईएसपी के कारिंदों को पाबंद किया और अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को खत भी लिखा है। सिविल लाइन्स आबादी क्षेत्र में है, इसमें खनन कार्य की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। जैसे भी कल कोई बात सामने आई कि मोतीलाल मीणा खनन कर रहे हैं, मैं उस समय देवली दौरे पे था तो मैंने एक भी बात तो कही कि कोई खनन की अनुमति नहीं दी गई है, कोई जो भी कर रहा है अवैध खनन कर रहा है। ब्लास्ट से आसपास के लोगों को काफी परेशानी है, तो मैंने जाकर देखा तो उसमें ब्लास्ट व्लास्ट तो नहीं था मगर पहाड़ी खोदी जा रही थी, तो उन लोगों को पाबंद कर दिया गया है। वैसे पटवारी वाले का जानकारी करने पर भी ये बताया कि ये खातेदारी में है और शायद बुरे खाची है जिन्होंने लोटिंग की हुई है, तो उनको पाबंद कर दिया गया है क्योंकि खुदाई करना अवैध था, इन्हें पाबंद कर दिया गया है और रिकॉर्ड देख करके उनके खिलाफ संबंधित कार्रवाई की जाएगी। सरदार शहर में नगरपालिका द्वारा रेलवे स्टेशन पर बना रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था 5 महिला या पुरुषों की है, लेकिन नगरपालिका ने रैन बसेरे के आगे बोर्ड लगाकर रखा है 30 के रहने की व्यवस्था, लेकिन इस हकीकत का पता तब चला जब रात को यहां पर 9 लोग रहने आए तो कर्मचारियों ने रहने के लिए मना कर दिया। समाचार प्लस ने जब हकीकत जानी तो पता चला यहां 4 से 5 कर्मचारियों ने ही डेरा जमाया हुआ है। रात में रैन बसेरे पर आए महिला पुरुषों को पूरी रात बाहर ठंड में सोना पड़ा, जबकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो आसमान के नीचे पूरी रात ठंड में सोए रहे, जिनमें से एक मासूम भी था जो ठिठुरता रहा ठंड से। बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी की मौत हो जाती या किसी के साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। जब नगर पालिका के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो बाहर बोर्ड पर 30 की क्षमता क्यों लिखी गई? एक दो दो चार आदमी तो रह सकते हैं लेकिन इतने की व्यवस्था नहीं हो रही है। क्या कारण है सर? क्या कारण है सर? कारण तो हम क्या बता सकते हैं, हम तो हमारा भी स्टाफ हायर गए। वारेन्य की पर्याप्त रजाई और पत्थर ने उड़ने के सम्मान की व्यवस्था है, हो सकता है कभी आदमी ज्यादा आ जाए उससे हमारे कर्मचारी कोई लापरवाही हो सकती है। रेवन का तो आया मेरे गंगा जी सरदार शेर में पट्टी रे पट्टी वास्ता आया, मैं सुबह पट्टी भरूंगा, ये सामने पूछा मैं सर मुझे 9 आदमी है ये रेवन की जगह दो मेरे, तो 9 आदमी की जगह नहीं है, सर भी 2 आदमी 3 आदमी मैं रख लो, इतना आदमी रखने की जरूरत नहीं है। कहने को तो पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं के कल्याण के लिए दर्जनों सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन जमीन पर उनकी हकीकत क्या है इसकी बानगी पेश आई बीकानेर में, जहां कलेक्टर दफ्तर के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो चुके पूर्व सैनिक की विधवा खाक का छान रही है। पीड़ित की माने तो उसके पति की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद विधवा महिला ने सरकारी तंत्र से मदद की आस लगाई। आरोप है कि जिला प्रशासन इसे मानने से इनकार कर रहा है, जबकि पूर्ववर्ती कलेक्टर उसे मुआवजा दिलाने का दिलासा भी दिया था। रायसिंह नगर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। लाखा हाकम गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि
बेटी ने कहा था कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिता के हाथों मारी गई युवती ने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई थी। दोनों ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए, लेकिन युवती के पिता और उसके भाई को केवल पाबंद कर छोड़ दिया गया। युवती के कोर्ट में बयान दर्ज होने थे बुधवार को, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे, जोधपुर के एक होटल में विदेशी पर्यटक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बेड के पास से नींद की दवाइयां बरामद की है, लेकिन अभी तक पर्यटक की मौत का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम हरनौ क्रिस्टोफर जे था, जो कि अमेरिका का रहने वाला था। अपने साथियों के साथ जोधपुर आया था और दोस्त भी होटल में रुके थे, जिनका सुबह दरवाजा खटखटाया गया जब हरनौ का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने अमेरिकी एम्बेसी को इस मामले की सूचना दे दी है। रूम लगा हुआ था और ऊपर की जो विंडो है उसको तोड़ के फिर उसको कमरे को खोला गया है। अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे मेडिकल बोर्ड से, उसके बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चलेगा। चित्तौड़गढ़ में जेल में बंद दो बंदी पिछले पांच दिन से अनशन कर रहे हैं। बंदी अवतार सिंह और हरबंश सिंह का अनशन पिछले पांच दिन से जारी है। बंदियों के अनशन से परेशान जेल प्रशासन ने उन्हें सावले अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अवतार सिंह, हरबंश सिंह एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन के आरोप में जेल में बंद है। वो लगातार तीसरी बार अनशन कर रहे हैं। बंदियों का आरोप है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। दोनों बंदियों ने मामले की जांच की मांग की है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ महिलाओं ने सरेराह एक महिला की पिटाई कर डाली। दरअसल विवाहित महिला अपने प्रेमी से शादी करने के लिए कोर्ट पहुंची थी। उसके ससुराल वाले एंड वक्त पर कोर्ट पहुंचे और उस महिला को पीटना शुरू कर दिया। जमुना नाम की महिला करौली जिले के इंदौर की रहने वाली है। तो ससुराल में अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन 27 दिसंबर को घर से बगैर किसी को बताए अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जब परिजनों को यह पता चला कि वो भरतपुर कोर्ट में अपने प्रेमी के साथ शादी करने पहुंची है, तो महिला की बहन मौसी देवर ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव के बाद मामले को शांत कराया। धौलपुर के लालोनी हार गांव में हथियार के दम पर एक युवती को अगवा कर दिया गया। अभी तक युवती का पता नहीं चल पाया है, जिससे गांव वालों में नाराजगी है। गुस्साए ग्रामीण एसपी से मिले और उसका जल्द सुराग लगाने की मांग की। गांव वालों के मुताबिक 9 जनवरी को सरानी के रहने वाले सोनू जाट ने दो युवतियों को हथियार के बल पर अगवा किया। एक युवती आरोपियों के चंगुल से बच निकली और गांव पहुंची, लेकिन अभी तक दूसरी युवती के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन युवती का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे गुस्साए गांव वालों ने पंचायत कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर में कल हुए बेटे अपने बुजुर्ग पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। बुजुर्ग को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनके बेटे उन्हें लेने नहीं आए। मामला एसीटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां 84 साल के बुजुर्ग व्यापारी बद्री प्रसाद गुप्ता को उसके बेटे आदमी अस्पताल में छोड़ गए। बुजुर्ग के दो बेटे हैं जो कि सेटल हैं। पीड़ित ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद उसके दोनों बेटे पहले भी उसे घर से बाहर निकाल चुके हैं। अस्पताल प्रशासन ने एडीएम को खत लेकर पीड़ित बुजुर्ग को वृद्धाश्रम भेजने की अपील की है। जयपुर के वैशाली नगर पुलिस ने बदमाशों के खूंखार गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के 6 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना विक्रम मीणा की प्रदेश के कई थानों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। इस विक्रम पर हत्या और दुष्कर्म के कई मामले दर्ज हैं, जो कि फरार चल रहा है। पुलिस ने गैंग के ही 6 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। पिछले दिनों ये गैंग छोटवाड़ा थाना इलाके में शराब की दो दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की शराब चुराकर फरार हो गए थे। गैंग पिकअप के साथ लेकर चलती है और शराब चोरी और तस्करी की वारदात को अंजाम देती है। बहरहाल पुलिस के गैंग की सरगना की तलाश है पुलिस को। जोधपुर सीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सलमान खान पर हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई हुई, जहां सुनवाई में वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी शिवचरण बोहरा ने भत्ता नहीं मिलने की शिकायत की। उसने कहा है वो सलमान की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद था, सलमान के हथियारों की जब्ती के वक्त भी मौजूद था, जिसके चलते उसे सरकारी गवाह बनाया गया, लेकिन अब उसे गवाही पर आने के लिए भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या बन चुकी है। बेरोजगारों को तरह तरह के लालच देकर उनसे ठगी करने वाले सैकड़ों कंपनी बन चुकी है, जो कि नौकरी का झांसा देकर युवाओं को ठगने का काम करती है। युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर हनुमानगढ़ में भी एक ISI नाम की कंपनी इन दिनों अखबार में विज्ञापन देकर महज 150 रूपये का फॉर्म भर के उन्हें नौकरी दिलाने का दावा कर रही है। कंपनी के इस विज्ञापन में नौकरी पाने वाले शख्स को सरकारी पेंशन, उनके बच्चों को मिलिट्री स्कूल में शिक्षा दिलवाने जैसे प्रलोभन दिए गए हैं, जबकि सरकार ने पेंशन जैसी व्यवस्थाएं ही खत्म कर रखी है। ऐसे में इस कंपनी द्वारा ये बातें लिखकर प्रलोभन देना कहीं न कहीं ठगी, बेईमानी और जालसाजी की ओर इशारा करती है। आमतौर पर धनाढ्य वर्ग करोड़ों की शादी में खर्च करते हुए है और खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार ने कम पैसों में शाही शादी का आयोजन किया। यहाँ ऊंटों का कारवा गाजे बाजे के साथ निकला। शहरवासी दांतों तले उंगली दबाते रह गए कि शाही शादी का आयोजन था दादीजी परिवार का, जहां सगाई के लिए भीलवाड़ा से आई दुल्हन घोड़े पर चढ़कर ससुराल पहुंची। दुल्हन के परिवार का भी भव्य स्वागत हुआ, उनके लिए ऊंटगाड़ी की व्यवस्था की गई थी। चित्तौड़गढ़ में ऊंट नहीं होने के चलते दूसरी जगह से ऊंट मंगवाया गया था। राजधानी जयपुर के कनौडिया PG कॉलेज में सोमवार से शुरू हुए 3 दिवसीय कल्चरल फेस्ट कस्तूरी 2016 का समापन हो गया। फेस्ट में कॉलेज टीम के अलावा करीब 14 दूसरे कॉलेजों ने भी हिस्सा लिया। इस फेस्ट के दौरान 2 अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें टीमों ने स्टॉल्स लगाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल शुरू हुआ। सिटी पैलेस में आयोजित फेस्टिवल का उद्घाटन सवाईमाधोपुर के विधायक दिया कुमारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जयपुर में पतंगबाजी एक जुनून है। सिटी पैलेस घूमने आने वाले सैलानियों को पतंगबाजी की परंपरा से रूबरू कराने के मकसद से हर साल आयोजित कराया जाता है काइट फेस्टिवल। इसको बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और मुझे लगता है इसमें सब इतना छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक सभी इसमें बहुत ही आनंद लेते हैं, बहुत ही मजा भी आता है। इट्स अ स्पोर्ट बेसिकली, एंड एक स्पोर्ट और फेस्टिवल का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ही मैं सोचती हूँ अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। और सभी इसमें शुरू से ही, मैं जब से बचपन से ही देखे आ रही हूँ कि बिल्कुल लोग इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही इसको खुशी से मनाते हैं। फतेहपुर के शरीफ खान बहुत छोटी पतंगे बनाने में महारत हासिल रखते हैं। उनकी बनाई हुई पतंगे चने के आकार से भी छोटी होती है। वह इतनी छोटी पतंग बनाते हैं कि माचिस की डिब्बी में 100 पतंगे समा सकती हैं। उन पतंगों को देखकर कोई भी दंग रह जाता है। पतंगे छोटी होने के बावजूद इतनी साफ सुथरी और आकर्षक होती है कि किसी का भी मन मोह लेती है। शरीफ अपना नाम मिमता बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं, इसके लिए वो गेहूं और उससे भी छोटी पतंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।